हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू एलके एकेडमी। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जनवरी सीरीज के जो करंट अफेयर्स के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, चलिए उससे पहले जो मैंने पिछली बार आपको टेस्ट क्वेश्चन दिए थे पिछले लेक्चर में उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था रिलेटेड टू वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1960। तो आपके दोनों ही जो स्टेटमेंट आपको दिए गए थे वो करेक्ट है। ओके, अगर कोई डिप्लोमेट किसी और कंट्री में एज ए डिप्लोमेट अगर उसको एम्प्लॉय किया गया है तो वो किसी प्रोफेशनल और कमर्शियल एक्टिविटी में जहां से उसको पर्सनल प्रॉफिट गेन हो रहा है उस एक्टिविटी में वो पार्ट नहीं ले सकता। ओके, और इंडिया हैज रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। रेटिफाइड का मतलब है उसको इंडिया उस कन्वेंशन को इंडिया ने माना है या नहीं माना है। तो इंडिया ने इस वियना कन्वेंशन को माना है। ओके, और इसी कन्वेंशन के चलते हमारे जो एयरफोर्स के पायलट थे अभिनंदन, उनको पाकिस्तान ने वापस लौटाया था। ओके, और एक केस में हमने वियना कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था जो था कुलभूषण जाधव केस। ओके, जिसमें पाकिस्तान काफी ब्रूटैलिटी कर रहा है कुलभूषण जाधव के ऊपर। तो अभी वो केस इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक तौर पर चल रहा है। ओके, देखना है हमें आगे उसके ऊपर क्या होगा। ओके, चलिए, तो ये साइन हुआ था इन 1961 और साइन कहाँ पे हुआ था? वियना में। ओके, और इंडिया हैज रेटिफाइड द कन्वेंशन इन 1965 और इंडिया ने 1965 में इस कन्वेंशन के ऊपर सिग्नेचर किए थे, इसको मंजूरी दी थी। ओके, चलिए, स्टेटमेंट टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स विच ऑफ दी फॉलोइंग। तो वहां पे आपका ऑप्शन होगा पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। देखिए मैप में आपको अच्छी तरह से दिख रहा है, दिस इज पर्शियन गल्फ एंड दिस इज ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर थ्री आपको बोला गया था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मियावाकी मेथड। इट इज अ जापानीज मेथड ऑफ अर्बन एफोरेस्टेशन, जो कि एकदम ही सही बात है। ओके, जापानीज मेथड है के जिससे जो मेगा सिटीज है या टीयर वन टीयर टू के सिटीज है जहां पे पेड़ पौधे काफी कम हो चुके हैं, तो 10-20 सालों में एक फॉरेस्ट क्रिएट करने के लिए जहां पे जगह कम है उस मेथड को क्या कहा जाता है? मियावाकी मेथड। द मेथड वॉज अडॉप्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UN कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। देखिये, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ओके, ऑफिशियली अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ओके, बट काफी सारे जो स्टेट्स है, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ऐसे जो स्टेट है उन लोगों ने ऑलरेडी अपने जो बड़े बड़े शहर है वहां पे मियावाकी मेथड को इम्प्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, बट COP 14 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियली इसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ओके, तो स्टेटमेंट टू आपका गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वन ओनली। ओके, ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस इज बोडो एकॉर्ड। ओके, देखिए, पिछली बार हमने बात की थी ब्रू रेफ्यूजी क्राइसिस की, तो उसी की मिलता जुलता एक टॉपिक है बोडो एकॉर्ड। ओके, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट, द असम गवर्नमेंट एंड द बोडो ग्रुप्स इंक्लूडिंग ऑल फैक्शंस ऑफ द मिलिटेंट नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड साइंड एन एग्रीमेंट टू रीड्रॉ एंड रीनेम द बोडोलैंड टेरिटरी एरिया डिस्ट्रिक्ट टू बोडोलैंड टेरिटरी रीजन। तो BTAD का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? BTR कर दिया गया। आसाम में देखिए चार डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे बोडो कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, तो काफी सालों से ये लोग अलग बोडोलैंड की डिमांड कर रहे थे। अब अगर एक कम्युनिटी को कम्युनिटी के बेस पे अलग बोडोलैंड अगर दे दिया जाता है, तो इंडिया में तो ऐसी काफी छोटी छोटी कम्युनिटीज है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, वो सारे ही अपने अलग स्टेट की डिमांड के लिए रस्ते पर उतर आएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस सिचुएशन के साथ टैकल करना नहीं चाहती और वो एक प्रेसिडेंट सेट करना नहीं चाहते कि भाई कम्युनिटी के बेसिस पे आपको अलग स्टेट दिए जाएंगे। ओके, और इसीलिए ये काफी लॉन्ग टाइम से ये इश्यू पेंडिंग था आसाम में, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिजॉल्व करती हुई दिखी है। ओके, देखिए, अब उनको अलग एक रीजन नहीं दिया जाएगा, उनको आसाम में ही ज्यादा पावर्स दिए जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये जो BTAD वाले जहां पे बोडो पॉपुलेशन ज्यादा है जो कि वहां की नेटिव स्पीशीज है, ओके, नेटिव लोग है आसाम रीजन के, इज स्प्रेड ओवर मेनली फोर डिस्ट्रिक्ट। कौन से चार डिस्ट्रिक्ट है? कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उदलगुरी।
ओके द बीटीएडी एंड अदर एरियाज मेंशनड अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. ओके तो सीएए में बीटीएडी को अलग रखा गया है कि भाई अगर जिनको सीएए के अंतर्गत भारत की सिटीजनशिप मिलती है वो लोग कोकराझार चिरांग बक्सा और उदलगुरी में जाके सेटल नहीं हो सकते. ओके चलिए देखिए मैप में आपको दिख रहा है ये चार डिस्ट्रिक्ट. तो ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर के ये मेजर ये डिस्ट्रिक्ट है जो आपको रेड में हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पे बोडो की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है. ओके और देखिए लेफ्ट में जो आपको इमेज दिख रहा है ये है आपके हमारे होम मिनिस्टर. ओके ये है असम के चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल. ओके जो कि बीजेपी पार्टी को ही बिलोंग करते हैं. और ये जो आपको बाकी के लोग दिख रहे हैं वो है बोडो रिप्रेजेंटेटिव. ओके चलिए तो उनको देखिए 1,500 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा फॉर द एनहांसमेंट ऑफ बोडो रीजन. ओके चलिए और बोडो टू बी असम एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, तो बोडो को असम की ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड भी किया जाएगा. ओके चलिए बैकग्राउंड क्या है. बोडोज आर द सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी अमॉन्ग द नोटिफाइड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स इन असम. तो असम की सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है जो एसटी कैटेगरी में जिनको नोटिफाई किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट. बोडोज आर अ पार्ट ऑफ बोडो कचरी एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 5 to 6% ऑफ द असम्स पॉपुलेशन. तो असम की टोटल पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 6% कौन है, बोडो कम्युनिटी है. द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड डिमांड फॉर अ बोडो स्टेट दैट इज हाइपोथेटिकल नेम उसका क्या हो गया, बोडोलैंड, केम इन टू 1967-68. देखिए 67-68 से मान लीजिए पिछले 50-60 सालों से ये चला आ रहा है. द असम एकॉर्ड ऑफ 1985 गेव राइज टू बोडो एस्पिरेशंस एंड इन 1987 एबीएसयू रिवाइव्ड द बोडो स्टेटहुड डिमांड. तो असम एकॉर्ड जब चला था ओके जिसमें एनआरसी की बात की गई थी असम एकॉर्ड में, और असम एकॉर्ड क्या है कि बाहर से कोई बांग्लादेश से अगर कोई इलीगली इंडिया में रह रहा है उनको पहचाना जाए और उनको असम से बाहर निकाला जाए. ओके तो एनआरसी का जो जिक्र है, जो आज हम एनआरसी के इतना डिस्कशन कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी आपको असम एकॉर्ड से ही उसके रूट आपको देखने को मिलेंगे. बोडो सिक्योरिटी फोर्स विच अरोज इन 1986 एज एन आर्म्ड ग्रुप रीनेम्ड इटसेल्फ एनडीएफबी एंड लेटर स्पिरिट इनटू फंक्शंस. ओके चलिए The first Bodo Accord was signed with ABSU in 1993. But उस टाइम पे भी 1993 के बाद काफी लोगों को लगा कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया. In 2003 अगेन सेकेंड बोडो अकॉर्ड वॉज साइंड. ओके और ये जो बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स था, सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी, उनके बीच ये साइन किया गया. दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ बीटीसी विच इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और सेकेंड बोडो अकॉर्ड से जन्म किसका हुआ, बीटीसी का हुआ. और उन्होंने वापस एक मांग चलाई कि भाई हमें अभी भी अलग बोडो लैंड चाहिए. ओके तो ये जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मना कर दिया कि भाई बोडो लैंड की मांग तो आपकी पूरी नहीं होगी, आपको कोई एक मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे हम मिल सके, बैठ सके और उसके ऊपर से सबको खुश किया जा सके. ओके चलिए बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन वुड इंक्लूड द विलेजेस विच आर डोमिनेटेड बाय बोडोज बट आर आउटसाइड बीटीएडी प्रेजेंटली. तो कुछ कुछ विलेजेस ऐसे हैं जो बोडो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या बोडो कम्युनिटी की पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है, बट वट प्रेजेंटली इन चार जिले जो मैंने आपको बताए ओके कोकराझार चिरांग उदलगुरी और बक्सा, उनसे बाहर जो ये डिस्ट्रिक्ट है उनको इन चार डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा. द कमिटी विल बी फॉर्म्ड टू डिसाइड द एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन ऑफ न्यू एरियाज. तो उसके लिए कमिटी फॉर्म की जाएगी जो इंक्लूड करती होगी बोडो रिप्रेजेंटेटिव्स को. ओके सबसिक्वेंटली द टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स विल गो अप टू 60 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 40. तो जो असेंबली सीट्स है वो 40 से लेकर कहाँ तक चली जाएगी, 60 तक चली जाएगी, ताकि बोडो रिप्रेजेंटेटिव्स को भी असेंबली में जगह मिले और वो अपनी बात अच्छी तरीके से कह पाए. बोथ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन एंड बीटीसी विल बी प्रेजेंट इन द कमिटी. ओके और 1500 करोड़ का ओके 1,500 करोड़ 100 करोड़ का एक पैकेज उनको दिया जाएगा. बोडोज लिविंग इन द हिल्स वुड बी कॉन्फर्ड अ शेड्यूल्ड हिल ट्राइब स्टेटस. तो जो
पर्वतमाला में जो बोडोज रहते हैं उनको एक अलग स्टेटस दिया जाएगा जो कि स्केड्यूल्ड हिल ट्राइब स्टेटस. बोडो लैंग्वेज विद देवनागरी स्क्रिप्ट वुड बी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द एंटायर आसाम, जो कि अभी नहीं है. तो बोडो लैंग्वेज विद देवनागरी स्क्रिप्ट को आसाम की ऑफिशियल लैंग्वेज में, स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज में जगह दी जाएगी. ओके चलिए, तो बाकी सारे जो आपको पैकेज के डिटेल्स है उसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं है. ओके okay, और जो ये जो लोग है, अराउंड 1500 कैडर्स ऑफ NDFB विल बी रिहेबिलिटेटेड एंड एसिमिलेटेड बाई द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, तो आज तक जो हिंसक प्रवृत्ति में जुड़े हुए थे वो लोग अब क्या कर देंगे, सरेंडर कर देंगे और उनको रिहेबिलिटेशन में भेजा जाएगा. उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस थे वो सारे क्या हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे. ओनली द नॉन हेनियस क्राइम्स. ओके, द क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट फैक्शंस ऑफ NDFB मेंबर्स फॉर नॉन हीनियस क्राइम्स शैल बी विड्रॉन एंड द केसेस ऑफ हीनियस क्राइम्स विल बी रिव्यूड. तो हीनियस क्राइम मतलब अगर रेप केसेस है या मर्डर वाले जो केसेस है वो हीनियस क्राइम्स हो गए, राइट. तो उनको रिव्यू किया जाएगा और ट्राई किया जाएगा वो उनको कम से कम सजा मिले ताकि उनका रिहेबिलिटेशन अच्छी तरीके से. ओके, और एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन लाया गया है जिसमें हर बोडो फैमिली को जो कि मारे गए हैं बोडो मूवमेंट के दौरान उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे. ओके, और 1500 करोड़ रुपए का एक डेवलपमेंट पैकेज बोडो रीजन के लिए आसाम गवर्नमेंट को दिया जाएगा. ओके, सो दिस वाज योर बोडो इश्यू. तो जो बोडो लैंड की जो अलग मान थी वो अभी के लिए टल गई. ओके, ये अभी हम कह नहीं सकते कि ये कितना सक्सेस होगा या कितना फेलियर होगा, वो आने वाले 4-5 सालों में हमें ये चीज़ पता चलेगी. ओके, इससे बेनिफिट्स क्या होगा, देखिए अब इसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स है, जो भी बोडो रिप्रेजेंटेटिव थे कम्युनिटी को, उनको साथ में लाया गया है और उन्होंने इस पे सिग्नेचर किया है. तो काफ़ी इसके फेल जाने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम है. ओके, एंड इट विल ब्रिंग पीस, हारमोनी एंड टुगेदरनेस इन द पीपल ऑफ आसाम. ओके चलिए, नाउ एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज एडिशन टू रामसार साइट्स. ओके, तो जनवरी 2020 में 10 नई रामसार साइट्स को इंडिया की रामसार साइट्स में जोड़ा गया है और अभी तक हमारे पास टिल जनवरी 2019 हमारे पास 27 रामसार साइट्स थी, जिनकी संख्या बढ़कर अब ये 10 नई रामसार साइट जुड़ने से वो संख्या बढ़कर क्या हो गई है, 37 जितनी हो गई. ओके, इंडिया हैज एडेड 10 मोर वेटलैंड्स टू द साइट्स प्रोटेक्टेड बाई दी रामसार कन्वेंशन. और कौन सी साइट्स है ये, तो 3 स्टेट्स है, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश. आपको ये सारे नाम याद रखने. ओके, महाराष्ट्र में नंदूर जो कि महाराष्ट्र की फर्स्ट रामसार साइट्स होगी, पंजाब में केशवपुर मियानी वेटलैंड, बियास कंजर्वेशन रिजर्व एंड नांगल वेटलैंड, नांगल बर्ड सेंचुरी. ओके, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज, पार्वती अग्रा, सामन, समसपुर, सांडी एंड सरसाई नवार झील. तो ये सारे जो वेटलैंड्स हैं उनको रामसार कन्वेंशन में, रामसार कन्वेंशन की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है. ओके, दी अदर 27 रामसार साइट्स जो कि कौन से स्टेट में, ऑलमोस्ट हर स्टेट में. ओके, राजस्थान, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, गुजरात, तमिलनाडु, त्रिपुरा. गुजरात में नल सरोवर. ओके, नल सरोवर इज दी ओनली रामसार साइट. ओके चलिए, अब रामसार कन्वेंशन क्या है, तो रामसार इज द सिटी इन ईरान और ईरान के रामसार शहर में 1971 में एक ट्रीटी पे साइन किया गया, एक कन्वेंशन पे साइन किया गया जो कि था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स. ओके, जो भी लेक्स है, जो भी छोटे छोटे पॉन्ड्स है या ऐसे वेटलैंड्स जो बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर, उनको रामसार कन्वेंशन में इंक्लूड किया गया. सो रामसार इज दी वन ऑफ दी ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल एकॉर्ड फॉर प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड्स. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स. इट्स एम इज टू डेवलप एंड मेंटेन एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोसिस्टम कंपोनेंट्स, प्रोसेसेस एंड बेनिफिट्स. वेटलैंड्स डिक्लेयर्ड एज रामसार साइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑफ द कन्वेंशन. ओके, और ये कन्वेंशन देखिए 2 फरवरी 1971 को अडॉप्ट हुआ था, इसीलिए हर साल 2 फरवरी का जो दिन है उसको वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पर मनाया जाता है. ओके चलिए, और नल सरोवर इज दी ओनली
वेटलैंड इन ओनली रामसार साइट इन गुजरात, और बाकी की जो रामसार साइट है उसकी लिस्ट मैंने आपको बाजू में जो इंडिया का मैप दिया हुआ है वो आपको क्लियरली वहां पे दिख रही है। ओके, 10 नहीं, जो रामसार साइट है वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको जो हमने रामसार की फर्स्ट स्लाइड पढ़ी उसमें आपको लिस्ट नोट डाउन कर लेनी है। ओके, चलिए, तो जम्मू कश्मीर में वूलर लेक, होकेरा वेटलैंड, सुरिनसर मानसर तालाब, सोमोरेरी तालाब, ओके, देन हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम लेक, चंद्रताल वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, पंजाब में हो गया कंजली, हरिके एंड रोपर लेक। तो ये इस हिसाब से आपको एक पूरी लिस्ट स्टेट वाइज बना लेनी है। ओके, चलिए, नेक्स्ट इसी के साथ एक जुड़ा हुआ टॉपिक है विच इज मॉन्ट्रेयुक्स रिकॉर्ड। अब मॉन्ट्रेयुक्स रिकॉर्ड क्या है? तो मॉन्ट्रेयुक्स रिकॉर्ड अंडर द रामसार कन्वेंशन इज द रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑफ द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो जो वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनको मॉन्ट्रेयुक्स रिकॉर्ड में अलग से रखा गया है ताकि उनका कंजर्वेशन पे नेशनल गवर्नमेंट्स को ज्यादा ध्यान देना है। वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड आर अकरिंग और लाइकली टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, पॉल्यूशन और अदर ह्यूमन इंटरफियरेंस, इट इज मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ द रामसार लिस्ट। करेंटली टू वेटलैंड्स ऑफ द इंडिया आर इन मॉन्ट्रेयुक्स रिकॉर्ड, जो कि है केवलादेव नेशनल पार्क विच इज इन राजस्थान एंड लोकताक लेक विच इज इन मणिपुर। तो अभी इंडिया के दो ही रामसार साइट्स जो है वो मॉन्ट्रेयुक्स रिकॉर्ड में है, मतलब ये दो जो रामसार साइट्स है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और लोकताक लेक मणिपुर, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो इंटरनेशनली काफ़ी वजन रखता है। ओके, और उनको डेवलप उनको प्रिजर्व करना, उनको कंजर्व करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उसको हम ठीक तरह से प्रिजर्व नहीं कर पाए तो बायोडाइवर्सिटी पे जो उसकी इफेक्ट है वो काफ़ी एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल सकती है। और बिफोर दिस चिलिका लेक ओडिशा वॉज ऑल्सो प्लेस्ड इन द रिकॉर्ड बट वॉज लेटर रिमूव्ड फ्रॉम इट। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रख। नेक्स्ट शॉप का टॉपिक है वो है ड्राफ्ट बिल टू रेज अपर लिमिट फॉर अबॉर्शन। ओके, तो देखिए अबॉर्शन की जो लिमिट है उसको 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया है। ओके, तो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड चेंजेस टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अपर लिमिट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी फ्रॉम 20 वीक्स टू 24 वीक्स। तो अभी तक जो गर्भपात जिसको हम कहेंगे तो अबॉर्शन की जो लिमिट थी वो 20 वीक्स तक थी कि अगर कोई महिला जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहती वो 20 हफ्ते तक टर्मिनेशन करवा सकती थी विथ द अप्रूवल ऑफ मेडिकल बोर्ड, राइट, कि मान लीजिए कि प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है या कोई मेंटली इल महिला को रेप से या किसी उसका फायदा उठाकर अगर प्रेगनेंसी दी गई हो तो उन महिलाओं के लिए ही ये है। ओके, तो उसकी लिमिट बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया है 24 वीक्स। ओके, द मेडिकल करंट लॉ क्या है? द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 प्रोवाइड्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ओनली अप टू 20 वीक्स। इफ एन अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी हैज प्रोसीडेड बियॉन्ड 20 वीक्स, वुमन हैव टू अप्रोच अ मेडिकल बोर्ड एंड courts to seek permission for termination, which is extremely difficult and cumbersome process. Okay, so according to section 3.2 of the MTP Act 1971, a pregnancy may be terminated by a registered medical practitioner where the length of the pregnancy does not exceed 12 weeks or where the length of pregnancy exceeded 12 weeks but does not exceed 20 weeks. In this case, the abortion will take place if not less than two registered medical practitioners are of opinion that the continuance of the pregnancy would involve a risk of the life to the pregnant woman, okay, her physical or mental health, or there is a substantial risk that if the child were born, it would suffer from the physical or mental abnormalities to be seriously handicapped. Okay, so in these cases mein aap अबॉर्शन करवा सकते हो, ओके, अदरवाइज अबॉर्शन इज इलीगल। ओके, जब भी आप कोई हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे बड़े बड़े आपको बोर्ड दिखेंगे कि भाई जो अबॉर्शन इज इलीगल, ओके, एंड वी डू नॉट परफॉर्म अबॉर्शन हियर। सो अबॉर्शन नॉर्मल केसेस में इलीगल है। ओके, चलिए,
टिश्यू क्या है, द लॉ डज नॉट अकोमोडेट नॉन मेडिकल कंसर्न्स ओवर द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड, इफेक्ट्स ऑन करियर डिसीजंस और एनी अदर पर्सनल कंसिडरेशंस. द लॉ सेज फॉर माइनर्स रिटर्न कंसेंट फ्रॉम गार्डियन इज रिक्वायर्ड एंड द अनमेरिड वुमन कैन नॉट साइट कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर एज अ रीजन फॉर अबॉर्शन. तो जो करंट लॉ है उसमें ये है कि भाई माइनर्स को अगर अबॉर्शन करवाने 18 साल से नीचे की अगर कोई लड़की है ओके, और उसको अगर अबॉर्शन करवाना है तो गार्डियन की परमिशन नेसेसरी है, और अनमेरिड वुमन कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर को एज ए रीजन साइट नहीं कर सकती, एज ए रीजन अपने फॉर्म में नहीं लिख सकती कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव फेल कर गए इसलिए दिस इज एन अनवांटेड प्रेगनेंसी. ओके, सो जो नया बिल है उसमें क्या क्या प्रोविजन है, तो पहला तो ये है कि भाई दो की जगह एक ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए होगा जिसका अप्रूवल लगेगा आपको, या तो ओपिनियन लगेगा, और उसके अप्रूवल के बेस पे जो 20 वीक का जो टर्मिनेशन है उसको 24 हफ्ते कर दिया गया है. ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ ओपिनियन ऑफ टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ 20 to 24 weeks. इंक्रीज द अपर गेस्टेशन लिमिट फॉर अबॉर्शन फ्रॉम 20 to 24 weeks फॉर सर्वाइवर ऑफ रेप्स, विक्टिम ऑफ इंसेस्ट, ओके, ह्यूमन सेक्शुअल एक्टिविटी जिसको हम यौन शोषण बोलेंगे, ओके, एंड अदर वल्नरेबल वुमेन इंक्लूडिंग माइनर गर्ल्स. फॉर अनमेरिड वुमेन द बिल सिक्स टू रिलैक्स द कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर कंडीशन. ओके, अर्लियर ओनली मैरिड वुमन और हर हस्बैंड वर अलाउड टू मेडिकली टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. तो इसके पहले जो इसके पहले के बिल में क्या था कि सिर्फ मैरिड वुमन अबॉर्शन करवा सकती थी, या तो सिर्फ उनके जो पति थे वो अलाउ कर सकते थे फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बट द न्यू बिल प्रपोज इज द सेम फॉर एनी वुमन और हर पार्टनर. और पार्टनर में जरूरी नहीं कि वो पति ही हो, वो कोई भी पार्टनर हो सकता है. ओके, तो जो सॉलिड जो रूल्स थे उसको थोड़ा क्या कर दिया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है. ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है हमारे लिए, ऑपरेशन वेनिला. रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड द ऑपरेशन वेनिला टू असिस्ट द पॉपुलेशन ऑफ मडागास्कर अफेक्टेड बाय साइक्लोन डीएन. ओके, तो इंडिया ने मदद की है मडागास्कर की जो कि अफेक्ट हुआ था साइक्लोन डीएन से. इंडियन नेवी को इसके लिए काम पे लगाया गया है, और इंडियन नेवी का INS ऐरावत नाम का जो शिप है, ओके, INS ऐरावत को हेल्प के लिए भेजा गया है, जो क्या कैरी कर रहा है, क्लोदिंग, मेडिसिन एंड अदर रिलीफ मटेरियल्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन द रिलीफ ऑपरेशन. ओके, अब साइक्लोन डीएन क्या था, तो इट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ द मॉरिशियस इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन. ओके, तो आपको ये नाम याद रखना है, एक तो ऑपरेशन वेनिला और कहाँ गया था वो, मडागास्कर को उसने सबसे ज्यादा अफेक्ट किया था. ओके, मडागास्कर हैज बीन हिट बाय इट एंड देयर हैज बीन हैवी फ्लडिंग एंड लैंडस्लिप्स कॉजिंग लॉस ऑफ लाइव्स एंड डिस्प्लेसमेंट अफेक्टिंग मोर देन 92,000 पीपल. ओके, तो 92,000 लोगों को एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ा ड्यू टू साइक्लोन डीएन. ओके, इंडिया हैज बीन द फर्स्ट कंट्री टू रिस्पॉन्ड टू फ्लड्स इन मडागास्कर. और इंडिया पहला कंट्री था जिसने रिलीफ मटेरियल के साथ अपना एक पूरा नेवी शिप वहां पे भेज दिया, जो था INS ऐरावत. ओके, अब सिग्निफिकेंस क्या था, तो मडागास्कर जो रीजन है वो इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन में सिक्योरिटी के जो हमारा विजन है, ओके, दैट इज सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो उसके लिए काफी हमारा सिग्निफिकेंट पार्टनर प्रूव हो सकता है. ओके, और उसमें हेल्प कर सकता है मडागास्कर हमें, एंड दैट्स व्हाई मडागास्कर को हमने इतनी जल्दी से हेल्प पहुंचा दी. इंडिया इज वर्किंग विद फ्रांस टू डेवलप स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन्वॉल्विंग मडागास्कर, रीयूनियन आइलैंड, कोमोरोस, सो एज टू बैलेंस द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन दैट पार्ट ऑफ इंडियन ओशन रीजन. ओके, और यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली ये जो सारे कंट्रीज है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, बट दोज बिलोंग टू इंडियन ओशन. ओके, चलिए चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जो कि हुई इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में. ओके, और एक्सरसाइज का नाम है संप्रीति. तो ये संप्रीति मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हुई हमें दिखी, और उसका एडिशन कौन सा था, 9th edition. ओके, दिस इज 9th edition ऑफ संप्रीति एक्सरसाइज, अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. संप्रीति 9 will be conducted at Umroi, Meghalaya from 3rd to 16th of February 2020. और joint exercise का मतलब क्या होता है, ताकि जो bonding है military के बीच में और दोनों देशों के बीच में वो diplomatic जो ties है वो ज़्यादा strengthen हो सके, ताकि इनके
केस ऑफ इमरजेंसी एक दूसरे की आर्मी को हम क्या करवाए, हेल्प करवाए. द एक्सरसाइज एम्स टू बिल्ड स्ट्रेंथन एंड प्रमोट पॉजिटिव रिलेशंस बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. द एक्सरसाइज इज होस्टेड ऑल्टरनेटली बाई बोथ द कंट्रीज. द 8th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन टंगेल बांग्लादेश. तो पिछला जो एडिशन था 8th एडिशन वो हुआ था टंगेल बांग्लादेश में एंड रोटेशनल बेसिस पे इसका जो कंडक्ट है वो होता है, तो इस बार हुआ उमरोई मेघालय में. ओके चलिए, और ये कुछ और एक्सरसाइज के नाम है जो मैंने आपको दिए हुए हैं. गरुड़ शक्ति हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ, एकुवेरिन मालदीव के साथ, हैंड इन हैंड चाइनीज मिलिट्री के साथ, कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ एंड नोमाडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ. तो आपको ऐसा एक लिस्ट प्रिपेयर करना है जिसमें सारे मिलिट्री एक्सरसाइज, ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज एंड ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज. ओके, ये तीनों का आपको लिस्ट जीपीएससी यूपीएससी कभी भी आपको पूछ सकता है. ओके चलिए, और एक छोटा सा जो टॉपिक है हमारा वो है आंध्र प्रदेश इज फ्रूट ट्रेन. तो इंडिया में पहली बार एक फ्रूट ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया. ओके, और वो रिपोर्टेडली कहाँ से स्टार्ट हुई, आंध्र प्रदेश से. अ फ्रूट ट्रेन सेट टू बी इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम ताड़ीपात्री रेलवे स्टेशन इन आंध्र प्रदेश कैरिंग अ लोड ऑफ 980 मेट्रिक टन्स ऑफ लोकली ग्रोन बनानास टू द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट एन एंटायर ट्रेन इज बींग सेंट टू गेटअवे पोर्ट. ओके, दिस हेल्प्स सेव बोथ टाइम एंड फ्यूअल एज 150 ट्रक्स वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू सेंड अ कंसाइनमेंट ऑफ दिस साइज बाई रोड टू JNPT विच इज ओवर 900 किलोमीटर अवे. ओके, तो अगर ये बनाना, अगर जो स्पेशली ग्रोन बनाना है आंध्र प्रदेश के, जो आंध्र प्रदेश की स्पेशलिटी है, अगर उनको ट्रक्स के थ्रू रोड के थ्रू भेजा जाता तो टाइम भी काफी लगता और फ्यूल भी काफी लगता, तो बेटर है उसको भेजा गया ट्रेन से. ओके चलिए, नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारा इरावेडी डॉल्फिन्स इन द चिलिका लेक. ओके, तो ड्यूरिंग द डॉल्फिन सेंसर्स इन चिलिका लेक डायरेक्ट साइटिंग ऑफ 146 इरावेडी डॉल्फिन्स हैज बीन रिपोर्टेड. द सेंसर्स इज बीइंग कैरिड आउट यूजिंग हाइड्रोफोन मॉनिटरिंग टेक्निक. अ हाइड्रोफोन इज अ माइक्रोफोन डिजाइन टू बी यूज अंडर वाटर फॉर रिकॉर्डिंग और लिसनिंग टू अंडर वाटर साउंड. देखिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इरावेडी डॉल्फिन्स. सो इरावेडी डॉल्फिन्स आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन थ्री रिवर्स, द इरावेडी, the Mahakam and the Mekong. Okay, तो म्यांमार, इंडोनेशियन बोर्नियो और मेकोंग में, मेकोंग चाइना में जो है, इन नदियों में ये हमें देखने को मिलते हैं. They are endangered listed as per the IUCN red list. The total population of these aquatic mammals in the world is estimated to be less than 7500. तो टोटल नंबर जो है वो घटकर अब कहां तक पहुंच चुके हैं, 7500 तक. मोर देन 6000 इरावेडी डॉल्फिन्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम बांग्लादेश. डॉल्फिन डिस्ट्रीब्यूशन इन चिलिका इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट सिंगल लगून पॉपुलेशन. ओके, तो ये 146 एक पूरा ग्रुप था डॉल्फिन का जो हमें इस सेंसस के दौरान हमें देखने को मिला. ओके, और चिलिका लेक के बारे में हमें पता ही है. चिलिका लेक इज एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लगून. इट लाइज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, सेपरेटेड फ्रॉम द माइटी बे ऑफ बंगाल बाय अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ सैंड. ओके, तो अभी जो पिछली बार साइक्लोन आया था ओडिशा में, तो वहाँ उसकी वजह से चिलिका लेक में और सारे जो नए इनपुट्स बन गए, वहाँ से क्या हो रहा है कि जो बे ऑफ बंगाल का जो खारा पानी है वो इस लेक में आ रहा है, और उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होने का हमें प्रेडिक्ट किया गया है. ओके, इट लाइज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. इट इज द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इज होम टू अ नंबर ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. ओके, 1981 चिलिका लेक वॉज डेजिग्नेटेड द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन. द लार्ज नालाबाना आइलैंड कवरिंग अबाउट 16 स्क्वायर किलोमीटर इन द लगून एरिया वॉज डिक्लेयर्ड अ बर्ड सेंचुरी इन 1987. कालीजाल टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड इन द चिलिका लेक. ओके, तो दिस इज सम एक्स्ट्रा स्टफ अबाउट चिलिका लेक. ओके चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रपोजल टू चेंज द लोकेशन ऑफ TMT. नाउ व्हाट इज TMT? इट इज अ 30-meter टेलीस्कोप. इंडिया, अ पार्टनर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ 30-meter टेलीस्कोप, हैज रिक्वेस्टेड दैट प्रोजेक्ट बी मूव्ड आउट ऑफ द प्रपोज्ड साइट ऑफ मोनाकी
हवाई यूएसए। तो अभी ये कहाँ बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है हवाई यूएसए में, बट क्योंकि वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है वो काफ़ी सारे इश्यू उठा रही है, ओके, एनवायरमेंटल इश्यू, हेल्थ इश्यू, और उसकी वजह से इंडिया का ये प्रपोजल है कि भाई उसको हवाई यूएसए से दूर करके कहीं और शिफ्ट किया जाए। ओके चले, तो इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व है वो कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, तो यूएसए, जापान, चाइना, इंडिया और कनाडा, इन पांच कंट्रीज ने इसके लिए कंट्रीब्यूट किया है और मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। ओके, सेवरल मिलियन डॉलर्स इसमें इन्वेस्टेड है। क्यों इन्वेस्टेड है? ताकि जो स्पेस की जो चीज़ है, तो ये जायंट टेलीस्कोप से उसको हम और डिटेल में जान सके। ओके, द 30 मीटर टेलीस्कोप विल एनेबल साइंटिस्ट टू स्टडी फेंटर ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। इट विल ऑल्सो अलाउ टू सी डीपर इनटू स्पेस एंड ऑब्जर्व कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स विद अनप्रेसिडेंटेड सेंसिटिविटी। With its 30 meter prime mirror diameter, TMT will be 3 times as wide with 9 times more area than the largest currently existing telescope in the world. देखिए तो कितना बड़ा एरिया ये कवर करेगा, यू कैन इमेजिन। ओके, और ये जॉइंट वेंचर है यूएसए, जापान, चाइना, इंडिया और कैनेडा का। ओके चलिए, अब इंडिया इसको कहाँ ले जाना चाहता है? सो द TMT has been a litigious site since 2014. The project has not made any progress because of regular obstructions. The proposed site is considered sacred to indigenous Hawaiians and already has too many observations in the region. Okay, तो हवाईयन के जो local people हैं वो उसको वहाँ पे बनाना नहीं चाहते। इंडिया ने कौन सी साइट प्रपोज की है? दी प्रपोज्ड अल्टरनेट साइट टू लोकेट द टेलीस्कोप इज दी ORM ऑन ला पालामा इन कैनरी आइलैंड, स्पेन। ओके, तो जो प्रपोज्ड साइट है वो है स्पेन में। ओके, जहाँ के कोई लोकल कम्युनिटी उसको अपोज नहीं करेगी। ओके चलिए, तो अब इंडिया का रोल क्या है TMT में? सो इंडिया हैज कमिटेड $200 मिलियन विच इज अबाउट 10th ऑफ द प्रपोज्ड कॉस्ट। The telescope needs 492 precisely polished mirrors and India is to contribute 83 of them. देखिए 83 में से 492 में से जो polished mirror है, जो total requirement है, उसमें से 83 कौन provide करेगा? India provide करेगा। Okay? तो these are some basic thing about your TMT. Okay? Now this is your first test questions for today. Consider the following statements about curative petition. Curative petition can be filed before a review, please file. It needs to be filed within 30 days from the date of a judgment or order. The concept of the curative petition is supported by Article 137 of the Indian Constitution. Which of the statements given above are correct? 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Question number 2, consider the following statements. Constitution 103rd Amendment Act 2019 amended Article 15 and Article 16. It allows reservation for the economically backward in the reserved categories. Only the center can provide 10% reservation under this act. Which of the statements given above is are not correct? 1 only, 2 only, 2 and 3 only, 1 and 1, 2 and 3. Okay, which of the following is not a fundamental right? Freedom of free speech and expression on the internet, right to private property, right to shelter or right to information. Okay, so this was your today's lecture. I hope you have enjoyed it. Agar koi doubt hai, directly reach out to me and we will solve that doubt. Stay home, stay safe. Thank you.